आपने अब तक स्पाइडरमैन, बैटमैन के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको फॉरेस्ट मैन की प्रेरणादायी कहानी सुनाते हैं। फॉरेस्ट मैन की यह उपाधि उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने दी है। क्या कोई अकेला शख्स बिना किसी संस्था और मशीनरी की मदद के बिना 1360 एकड़ जंगल उगा सकता है, वो भी बंजर जमीन में? हर कोई कहेगा नहीं, यह संभव नहीं है। और यह बात भारत के वन विभाग ने भी कही थी असम के जादव मोलाई पेंग को। लेकिन जादव मोलाई पेंग के मजबूत इरादों की वजह से आज उन्होंने 1360 एकड़ के रेगिस्तान को हरे भरे जंगल में परिवर्तित कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत से जानते हैं कि जादव मोलाई पेंग ने ऐसा कैसे किया। जादव मोलाई असम के जोरहट के एक गाँव के रहने वाले है, जिसके पास से विशाल ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। जादव को बचपन से ही प्रकृति से प्रेम था। जीव जंतु पशु पक्षियों को वो बहुत ही पसंद करते थे। जब वे 16 वर्ष के थे तो उन्होंने देखा कि उनके गांव के आसपास पशु पक्षी की संख्या घटती जा रही है। जब उनका कारण उन्होंने बड़ों से पूछा तो उन्होंने बताया कि जंगलों के कट जाने की वजह से, जंगलों के कम हो जाने की वजह से ऐसा हो रहा है। फिर एक दिन जादव ने देखा कि बहुत सारे सांप ब्रह्मपुत्र नदी के एक बंजर टापू पर मरे पड़े हैं। टापू पर कोई भी पेड़ न होने के कारण सैकड़ों सांप अपने आप को नहीं बचा पाए। यह देखकर जादव को बहुत दुख हुआ। उन्होंने वन विभाग वालों से कहा कि यहाँ आप कुछ पेड़ उगा दीजिए, पेड़ों के ना होने की वजह से यहाँ जीव मर रहे हैं। लेकिन वन विभाग वालों ने कहा कि यहाँ जमीन बंजर है और यहाँ कुछ नहीं उग सकता। हाँ, अगर तुम चाहो तो वहाँ बांस के पौधे उगा कर देख सकते हो। वन विभाग वालों ने शायद यह बात मजाक में कही थी, पर जादव ने इसे गंभीरता से ले लिया। जादव ने ब्रह्मपुत्र नदी के बीच एक वीरान टापू पर 20 बांस के पौधे लगाकर शुरुआत की। 30 वर्षों तक हर रोज सुबह जाकर वे उस टापू पर पौधे लगाकर आ जाते। इतने सारे पौधों को पानी देना भी अकेले जादव की बस की बात नहीं थी, पर उन्होंने इसके लिए भी एक आइडिया निकाल लिया। उन्होंने हर पौधे के ऊपर एक बांस की टकटी रख कर उस पर एक मिट्टी का घड़ा लगा दिया, जिसमें कुछ सुराख बना लिए। इसी तरकीब से नए पौधे को एक हफ्ते तक बूंद बूंद पानी मिल जाता था। सन 1980 में जब वन विभाग ने वहां वृक्षारोपण की परियोजना शुरू की तो जादव पेंग भी उससे जुड़ गए और एक मजदूर की तरह काम करते रहे। 5 वर्ष बाद जब परियोजना खत्म हो गई और बाकी सभी कर्मचारी चले गए, तब भी जादव पेंग ने अपना काम जारी रखा। वे नए पौधे लगाते रहे और पेड़ों की देखरेख करते रहे। इस तरह 30 वर्षों तक काम करते हुए मोलाई ने लगभग 1360 एकड़ का जंगल उगा दिया, जो कि न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से भी बड़ा है। उनके नाम पर इस जंगल का नाम मोलाई फॉरेस्ट रखा गया है। इस जंगल में बंगाल टाइगर्स, भारतीय गैंडे, सौ हिरण, कई प्रजाति के बंदर, खरगोश, विभिन्न प्रकार के पक्षियों ने अपना घर बना लिया है। 100 हाथियों का झुंड अक्सर यहाँ आता जाता रहता है। जादव पेंग इसी जंगल में अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ एक कुटिया में रहते हैं और गायों का दूध बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। जादव पेंग को उनके इस अद्वितीय काम के लिए सन 2012 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया। सन 2013 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ने उन्हें पुरस्कार दिया और सन 2015 में उन्हें भारत का सबसे उच्च नागरिक का सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। दोस्तों, सफलता की कहानी की जब बात होती है तो अक्सर हम लोग ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं जिन्होंने गरीबी में पैदा होने के बावजूद संघर्ष करते हुए अरबों रुपये की संपत्ति अर्जित कर ली, जैसे स्टीव जॉब्स, अंबानी आदि। लेकिन असल में अत्यधिक धन अर्जित कर लेना सफलता का एक रूप है। सफलता का एक रूप यह भी है जो जादव पेंग ने हासिल की है। सोचिए, उनके द्वारा उगाए गए जंगल ने कितनी टन शुद्ध ऑक्सीजन इन 40 सालों में उत्पन्न की है और आगे भविष्य में ये जंगल कितनी ऑक्सीजन हमारी आने वाली पीढ़ियों को उपलब्ध कराएगा। अगर ऑक्सीजन की यह विशाल मात्रा की कीमत पता की जाए तो शायद यह भी एप्पल या रिलायंस कंपनी से कम नहीं होगी।